हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कार्डियोग्राफिया आई ए एस इंस्टीट्यूट अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन आई एम नितिश भारद्वाज एंड आई एम डीलिंग विद करंट अफेयर वी कार्डियोग्राफिया आई ए एस हैज़ कम विद यूनिक एंड इनोवेटिव टेक्निक्स टू डील विद ऑल डिफिकल्टीज वाइल प्रिपेयरिंग यू पी एस सी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया होगा कि हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज अ रेवोल्यूशन हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं एक ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं जिससे आपकी वे ऑफ लर्निंग इस तरह से चेंज हो जाएगी कि आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं पड़ेगी हालांकि हम मैप की हेल्प से आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको इजी बनाएंगे स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो बाय आवर यू पंचामृत स्टडी टी ऑफ थर्टी क्वेश्चन इन एग्जाम स्टूडेंट्स यूपी के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं हम यूपीपीसी डेज क्रैश कोर्स उसमें भी आपको नाइनटी क्वेश्चन की रिटर्न गारंटी हम देंगे यह नाइन्थ ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ लेट स्टार्ट टूडे टॉपिक जो कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है शिक्षा पर आधारित है चलिए बच्चों, आपके सामने प्रेजेंट हो गया है आज का टॉपिक एजुकेशन पॉलिसी 2020। बाय नीतीश भारद्वाज तो बच्चों किसी भी देश के विकास को उसकी एजुकेशन पॉलिसी से या फिर उसकी शिक्षा नीतियों से समझा जा सकता जा सकता है पिछले दिनों से बहुत बार रिपोर्ट आई है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है जिस वजह से जॉब क्रिएशन नहीं हो पाती है तथा जो भारत का युवा है यूथ है वो शिक्षा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता जिसके कारण वह उच्च संस्थानों में जाकर पिछड़ जाता है अर्थात जॉब नहीं कर पाता है तो यहाँ पर इस सरकार ने अपनी नीति को दर्शाते हुए इस बार 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है तथा शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं आइए उन बदलावों को देखते हैं तथा एक नजर डालते हैं उन पर हुए बदलावों में जो आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर यानी चर्चाओं में क्यों है आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बच्चों मंजूरी दे दी है यह भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है आगे का प्रोसीजर इसका भी बचा हुआ है हालांकि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है अर्थात यह लागू मानी जा रही है उन्नीस के बाद बच्चों एक ऐसा पलाया है 34 साल बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 1986 1986 में हुआ था लगभग चौंतीस साल पहले हुआ था अगर बच्चों इससे पहले भी आजाद भारत की हम बात करें तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हो चला है इसलिए पहले नाइनटीन बदलाव 1968 में हुआ और उसके बाद 1986 में हुआ तथा यह तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है बदलाव है जो 2020 में हुआ है यहां पर शिक्षा नीति में बदलाव होना बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है तथा इसमें आशा भरी नजरों से इसकी ओर देखा जा रहा है कोई भी देश अपनी शिक्षा नीति से विकास कर सकता है तथा अपनी शिक्षा नीति से दर्शा सकता है कि हमारे अंदर विकास करने की कितनी क्षमता बची हुई है हालांकि इस 2020 की शिक्षा नीति के मसौदे की अगर बात की जाए ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो बच्चों इस ड्राफ्ट के जो अध्यक्ष थे ये थे इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन अर्थात इन्हें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति का एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि 2020 की शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था आइए बच्चों अब एक नजर डालते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं हम यहां पर जब चेंजेस की बात करेंगे तो हम प्राइमरी एजुकेशन में जो चेंज किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग उसके बाद इंटरमीडिएट में जो चेंज किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे तथा एट लास्ट हम हायर एजुकेशन में चेंजेस जो किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे एट लास्ट हम इसमें आने वाले चैलेंजेस यानी चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे तथा यह टॉपिक वहां पर समाप्त हो जाएगा तो आइए बच्चों हम अब देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन में किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं सबसे बड़ा बदलाव इसको समझा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है यानी पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था आज से हम लोग उसको शिक्षा मंत्रालय भी कहेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कहेंगे साथ ही में दूसरा एक सबसे बड़ा बदलाव प्राइमरी एजुकेशन में जो देखा जा रहा है वो है बच्चों पहले वाले टेन प्लस टू फॉर्मेट को हटाकर यहां पर एक नया फॉर्मेट आ गया है जिसका नाम है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर यानी कि आज से आपका जो स्कूलिंग जो स्कूलिंग कोर्स है आपका एजुकेशन सिस्टम है वो आज से फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के हिसाब से चलेगा ये ईयर है जैसे कि यहां पर शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चा तीन साल से पढ़ना शुरू होगा थ्री प्लस उसमें पांच साल के लिए आगे और चलाएंगे वे तो आठ साल का हो जाएगा अगर मैं आठ में तीन और जोड़ूंगा तो फिर ग्यारह का होगा ग्यारह में फिर मैं तीन जोड़ूंगा तो फोर्टीन ईयर्स का हो जाएगा बच्चा और 14 में अगर मैं तीन और ऐड करूंगा तो यहां पर स्टूडेंट्स 18 का हो जाएगा तो बच्चों यहां पर थ्री और एट इयर्स के बीच में फाइव का गैप है एट इयर्स और इलेवन इयर्स के बीच में थ्री का गैप है इलेवन ईयर और फोर्टीन ईयर्स के बीच में भी थ्री का गैप है और थ्री फोर्टीन ईयर्स एंड एटीन ईयर्स में फोर का गैप है इसी सिस्टम को फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम कहा गया है यानी कि आपका स्कूली पाठ्यक्रम बच्चे की तीन साल की आयु से शुरू होगा और बच्चे की अठारह साल की आयु तक चलेगा इसी सिस्टम को फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस का नाम दिया गया है यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना यहां पर इस एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है और ये आशातीत नजरों से पूरा समाज इसकी ओर देख रहा है इससे एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद लगाई जा रही है बच्चों यहां पर अगर इसी में देखें तो स्टेज के तहत कक्षा तीन से पांचवी तक की पढ़ाई की जाएगी अगर पहले की बात की जाए तो पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में छह साल के बच्चे की पढ़ाई शुरू की जाती थी जब वो सिक्स ईयर का हो जाता था तब वहां पे वो स्कूल जाना शुरू करता था लेकिन जो अब नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है जो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें तीन साल के बच्चे को आज से स्कूल में प्रवेश यानी दाखिला दिलवा दिया जाएगा तथा तीसरी कक्षा से पांचवी कक्षा की जो पढ़ाई होगी वो पूर्णतः बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होगी यानी इसको जो मैथ्स एंड साइंस की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो पूर्णतः प्रैक्टिकली होगी यानी कि उसके प्रयोगात्मक के आधार पर होगी जैसे कि आपको थ्री प्लस टू जोड़ना सिखाता सिखाया जाता है तो दो चीज़ों को आपस में लेंगे ये कहेंगे तीन चीज़ें हैं दो चीज़ें हैं उनको आपस में जोड़ना सिखाया जाएगा इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मैथ एंड साइंस में बढ़ावा दिया जाएगा अगर कक्षा छः के बाद बात करूं मैं तो कक्षा छः में बच्चों प्रोफेशनल और कौशल विकास के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चे के अंदर इंटरप्रनोरशिप की भावना जाग सके तथा वह कौशल युक्त हो सके अर्थात तो उसके अंदर कोई स्किल की पहचान की जाएगी और उसकी स्किल की पहचान करके उसके हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाएगी ये कक्षा छः से ही शुरू किया जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य यह है ताकि वो किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सके अगर उसको जॉब की नीड हो तो वह अपने कौशल का यूज करके अपने स्किल का यूज करके खुद जॉब क्रिएट कर सके तो यहां पर कक्षा छः में इस तरह से परिवर्तित किया गया है हालांकि बच्चों कक्षा नौ की अगर मैं बात करूं तो कक्षा नौ से ही हर विद्यार्थी को कोई भाषा चुनने में आजादी होगी कक्षा अच्छा, नौ से ही आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो जैसे कि पहले टेंथ के बाद आपको कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है या आर्ट्स लेना है इसका आप चुनाव करते थे टेंथ के बाद लेकिन अब नाइन्थ क्लास के बाद ही बच्चों आप लोगों को इसकी आज़ादी हो जाएगी यानी आप लोग अपनी स्टीम को नाइन्थ क्लास के बाद ही चूज कर सकते हो यहाँ पर एक भाषा का भी है मैं भाषा का थोड़ा सा आगे बताऊँगा हालांकि कोई विदेशी भाषा अगर आपको पढ़नी हो तो विदेशी भाषा आप लोग नाइन्थ क्लास में ले सकते हैं अर्थात अंग्रेजी भाषा जो है नाइन्थ क्लास में आप लोगों के साथ जुड़ जाएगी दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें भी परिवर्तित किया गया है उनमें भी परिवर्तन किया गया है यहां पर दसवीं और बारहवीं बोर्ड के लिए कहा गया है कि साल में दो बार परीक्षाएं होंगी तथा यह परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होंगी साल में जो दो बार परीक्षा होंगी उसमें से एक बार सब्जेक्टिव होगा और एक बार आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा इसमें एक बड़ी घोषणा यह की गई है शिक्षा नीति में कि आपके जो दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें जो एग्जाम सेट किया जाएगा या बच्चे की नॉलेज चेक की जाएगी कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है इससे एक परिवर्तन होगा समाज में कि बच्चा रटने की प्रवृत्ति से दूर रहेगा और यह बहुत होलिस्टिक अप्रोच है गवर्नमेंट की या फिर इस शिक्षा नीति को बनाने वाले अध्यक्ष की साथ ही साथ में पांचवी कक्षा तक जहां तक संभव हो सके आठवीं तक भी ये हो सकता है शिक्षा का माध्यम जो होगा बच्चों वो स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा होगा अध्यक्ष का कहना यह है कि मा, मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा जो है वो बच्चे की शिक्षा में एक पुल का काम करेगी मातृभाषा यानी के मदर टंग लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा और रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होती है ये एक पुल का काम करेगी ऐसा के कस्तूरंगन का मानना है इसलिए यहां पर स्थानीय भाषा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को महत्व अधिक दिया गया है आगे अगर देखें बच्चों तो यहां पर नाइन्थ क्लास में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ आप लोगों को एक त्रिभाषीय फॉर्मूला लागू किया जाएगा यह त्रिभाषीय फॉर्मूला क्या है यानी कि आप लोग तीन भाषाओं को चुनेंगे सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कोई मराठी का बच्चा है महाराष्ट्र में रहता है तो उसके पास एक मराठी लैंग्वेज होगी और एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी तो आज से त्री यानी कि ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत आपको तीन भाषाओं को चुनना पड़ेगा उसमें से एक भाषा अंग्रेजी हो गई है लेकिन वो विदेशी भाषा है लेकिन आपको यहाँ पर कंपलसरी बना दिया गया है कि आपको दो भारतीय भाषाएं लेनी ही पड़ेंगी ऐसा नहीं है कि आप हिंदी ही लोगे या संस्कृत ही लोगे आप कोई भी दो भारतीय भाषाओं को चुन सकते हो दो रीजनल लैंग्वेजेस को चुन सकते हो जैसे कि मैं मराठा का एग्जाम्पल दे रहा था तो एक तो मराठा महाराष्ट्र की राजधानी भाषा हो गई मराठी प्लस एक अंग्रेजी हो गई साथ ही साथ में वो बच्चा चाहे तो हिंदी या संस्कृत में से भी कोई अपना भाषा को चुन सकता है अर्थात तो उसको तीन भाषाओं में से दो भाषा भारत की चुननी पड़ेंगी तथा पढ़नी पड़ेगी आइए बच्चों ये तो था हमारा इंटरमीडिएट का साथ ही साथ में प्राइमरी का अब हम नजर डालते हैं कि हायर एजुकेशन में किस प्रकार से इस पॉलिसी में परिवर्तित किए गए हैं तथा तो इस पॉलिसी में कौन से मापदंड अपनाए गए हैं यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहां पर अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है अब ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या है बच्चों यहां पर इसका अर्थ यह है कि सपोज कीजिए कि कोई बच्चा चार साल का कोर्स कर रहा है डिग्री कोर्स कर रहा है तो अगर किसी कारणवश चाहे उसके घरेलू कारण हो चाहे कोई आर्थिक कारण हो किसी कारणवश उस बच्चे को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है तो उसकी जो पढ़ाई छोड़ी गई है अर्थात एक साल बाद सपोज कीजिए उसने पढ़ाई छोड़ दी तो एक साल भी उसका काउंट होगा पढ़ाई सर्टिफिकेट दिया जाएगा दूसरे साल में उसको दि, डिप्लोमा दिया जाएगा तीसरे साल में उसको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा तथा यदि चार साल वो पूरे करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी इस प्रकार से उसका एक साल भी शिक्षा में काउंट होगा यहाँ पर क्योंकि वो एक साल बाद ही छोड़कर चला जा रहा है इसलिए उसका रिकॉर्ड संग्रहित करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विश्वविद्यालयों में यहाँ पर एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की भी योजना बनाई जा रही है यहाँ तक कि इस शिक्षा नीति में कहा गया है इस शिक्षा नीति में बताया गया है हाँ जी यहां तक की शिक्षा नीति में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो कोई भी कारण हो अगर छोड़कर दो साल बाद जाना होगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा तथा दो साल का रिकॉर्ड उसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा इसी के साथ साथ बच्चों एक बात को और बताया गया है इसमें कहा गया है शिक्षा नीति में अध्यक्ष द्वारा के द्वारा कि अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा शिक्षा के दूसरे कोर्स को चुनना चाहता है सपोज कीजिए मैं चार साल का बीटेक डिग्री कर रहा हूं और मुझे अब बीए करनी है तो अब मैं बीटेक के लिए वहां से रेस्ट ले सकता हूं और बीए कर सकता हूं तीन साल की जो बीए होगी तीन साल तक का मैं बीटेक डिग्री में रेस्ट ले सकता हूं तथा दोबारा से बीए करने के बाद मैं बीटेक को अपनी पूर्ण कर सकता हूं। वो जो एक साल या दो साल मैंने बीटेक की गुजारे थे वो अब भी काउंट होंगे इस शिक्षा नीति में इस प्रकार से भी बदलाव किए गए हैं यहां पर चार साल की जो डिग्री करने वाले स्टूडेंट हैं अगर एक साल में एम करके तो सीधा उनको पी की डिग्री होगी यानी कि आप जो चार साल में अपना एक साल का एम हो जाएगा चार साल की पूरी मास्टर्स डिग्री हो जाएगी आपके पास और उसके बाद आप पीएचडी सीधा कर सकते हो इसमें यह भी बताया गया है कि उस शिक्षा में 2035 तक 50 प्रतिशत ग्रोस एलोनमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा तीन दशमलव जीरो करोड़ नई सीटें जोड़ने का भी योजना बनाई जा रही है साढ़े तीन करोड़ के आसपास नई सीटें जोड़ने की योजना बनाई जा रही है हालांकि इसमें एक शब्द आया ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है अब ये ग्रोस यह बच्चों एक ऐसा रेशो है सपोज कीजिए कि आपके क्षेत्र में सौ बच्चे ऐसे हैं जो एक एज को पार कर चुके हैं और कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपके यहां पर कितने बच्चे हैं ऐसे सौ बच्चे हैं ऐसे जो एक एज को पार कर चुके हैं तथा कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं परंतु उसमें से 100 बच्चों में से केवल 60 बच्चे ही उसमें एडमिशन ले पाते हैं अगर साठ बच्चों ने एडमिशन लिया वहां पर कितने बच्चों में से सौ बच्चों में से साठ बच्चों ने अगर एडमिशन लिया तो वहां का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो सिक्सटी परसेंट होगा यह होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इसी में बच्चों 2035 तक 50 प्रतिशत ग्रोस एनरोलमेंट रेशो करने का लक्ष्य रखा गया है अब आप मेरे से पूछेंगे कि इस समय कितना है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो तो बच्चों इस समय 26.3 प्रतिशत ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इस समय भारत में है यानी कि यहां पर भारत में जो उम्र के बच्चे हैं उसमें से 26.30 प्रतिशत ही कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं ग्रोस एनरोलमेंट रेशो अगर सौ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में और 100 में से 60 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो वहां का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 60 परसेंट होगा ठीक है और इसमें 2035 में 50 प्रतिशत ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है आगे देखिए इसी में बच्चों यह कहा गया है कि 2030 तक तथा उसके बाद भी हर जिले में एक बहुविषयक मल्टीडिस एक एजुकेशन पॉलिसी या फिर मैं कहूं तो एक संस्थान ऑर्गेनाइजेशन होगी और ये सभी ऑर्गेनाइजेशन आई एम अहमदाबाद जैसे या फिर आईआईटी जैसे होंगे उच्च शिक्षा में यूजीसी आईएआईसीटी एनसीटी आई को एक जगह पर मिला दिया गया है तथा इनके लिए एक नियामक को बनाया जाएगा यहाँ पर हायर एजुकेशन में और भी बदलाव किए गए हैं जैसे कि एक बड़े बदलाव के रूप में यह भी देखा जा रहा है भारत में कंपटीशन बढ़ सकता है इससे ग्लोबल जो रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटीज होंगे उन्हें भारत में अपनी ब्रांच खोलने की अनुमति होगी तथा भारत में संस्कृति में एवं अनुसंधान को बढ़ाने के लिए रिसर्च को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की संस्था स्थापना करने के लिए भी एक अधिसूचना को जारी किया है अर्थात यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना होगी जिससे भारत में डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा जिससे भारत में नई नई रिसर्च हो सकेंगी हालांकि भारत सरकार यह भी चाहती है कि भारत की पाली फारसी एवं प्राकृत भाषाओं को भी विकास मिले उनको भी उनके लिए भी बढ़ोतरी हो इसके लिए भारत सरकार ने अनुवाद संस्थान की एक स्थापना की है जो भारत के लिए पाली फारसी एवं प्राकृत भाषाओं के अनुवाद के लिए कार्यरत होगी इसमें यह भी बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम है वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा तथा जो बच्चों आज से कोई भी ब्रांच नहीं रहेगी जैस जैसे मैं कॉमर्स से हूं या मैं टेक्निकल ब्रांच या फिर साइंस से हूँ साइंस साइड से हूं या फिर आर्ट्स से हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा आज से जो हायर एजुकेशन है उसमें आप अपने विषय को खुद चूज कर सकते हैं जैसे कि कोई टेक्निकल जो व्यक्ति है वो आज से हिस्ट्री सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है कोई साइंस वाला व्यक्ति होगा तो वो इतिहास या भूगोल जैसे सब्जेक्ट को भी ले सकता है यहाँ पर सभी ब्रांचेज को समाप्त कर दिया गया है अब इसके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि सभी समाज इसको अशतीत नजरों से देख रहे हैं लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत आएंगे सबसे पहला चैलेंज बच्चों यह है कि 2017-18 में अगर बात की जाए तो भारत ने अपनी जीडीपी का महज दो दशमलव सात प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया था जीडीपी क्या होता है जीडीपी जो भारत का टोटल प्रोडक्ट होता है उसका जो टोटल वैल्यू होता है उसको जीडीपी कहते हैं और जो टोटल वैल्यू है टोटल प्रोडक्शन है भारत सरकार का उसका 2.7 प्रतिशत ही शिक्षा पर भारत सरकार ने खर्च किया है लेकिन अगर हमको इसको अपनाना है इस पॉलिसी को तो भारत सरकार को इस पर छह प्रतिशत का खर्च करना ही पड़ेगा तभी जाकर यह शिक्षा नीति सफल हो पाएगी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतना पैसा पहले आएगा कहां से और इतना पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति क्या होगी दो हजार सत्रह में दो दशमलव सात प्रतिशत होता था जीडीपी का खर्च परंतु अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो छह प्रतिशत जी का हमको इस पर खर्च करना पड़ेगा जो पचास प्रतिशत ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो है इसके लिए कोई भी योजना सरकार की अभी तय नहीं है कि सरकार किस प्रकार से कौन सी ऐसी अप्रोच अपनाएगी जिससे कि वो स्टूडेंट्स को लाभान्वित कर पाएगी या कॉलेज की ओर खींच पाएगी इसके लिए कोई भी योजना अभी भारत सरकार के पास नहीं है एक ये भी चैलेंज है कि किस प्रकार से ये बढ़ाएंगे यहां पर साथ ही साथ में बच्चों यहां पर मातृभाषा के लिए एक अलग से समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि सपोज कीजिए दिल्ली है एक राज्य और दिल्ली में सभी लोग आपस में रहते हैं बहुत सारे राज्यों के लोग यहां पर आकर रहते हैं सपोज कीजिए तमिलनाडु से कोई फैमिली दिल्ली में आई तो अपने बच्चे का एडमिशन यहां दिल्ली के स्कूल में करवाएंगी तो जो दिल्ली के स्कूल में जब एडमिशन करवाएगी और मातृभाषा उसको बोलनी होगी तो तमिल बोला जाएगा ठीक है तो यहां पर एक दिक्कत यह भी आने वाली है और साथ ही साथ में अपने सभी संस्थाओं को आपस में अटैच कर दिया है जिसके कारण यहां पर केंद्रीयकरण यानी कि के सेंट्रलाइज होने का एजुकेशन सिस्टम का सेंट्रलाइज होने का खतरा बढ़ जाएगा तो बच्चों ये थी शिक्षा नीति इसके चैलेंजेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा मैं नीतीश भारद्वाज आज के लिए इतना ही रखना चाहूंगा अगली क्लास में हम एक नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू क्लास डे